वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्योतिष रेसिपी पर। आज हम आपके साथ तोरे की सब्ज़ी शेयर कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। सो नाउ लेट्स कुक टुगेदर। तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी। गैस पर हम कुकर रखेंगे, इसमें हम सिर्फ एक चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाएगा तो हम बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, इसे हमें अच्छे से भून लेना है। प्याज अच्छे से हो जाने पर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसे भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। सुबह की जल्दबाजी में आप ये सब्ज़ी ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए, बहुत ही जल्दी से बन जाती है। प्याज और अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच मिर्ची पाउडर, गरम मसाला और नमक डालेंगे। इनको भी हम प्याज में अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लेंगे। अब देख सकते हैं तेल हमने बहुत ही कम यूज़ किया हुआ है, प्याज के साथ मसाला भी अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर डालेंगे, इसे भी हम अच्छे से प्याज में मिक्स कर लेंगे। टमाटर को भी हमें अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेना है। सभी चीज़ें अब अच्छे से मिक्स हो गई है। यहाँ पर हमने मूंग दाल ली हुई है, इसे हमने भिगाया नहीं है, इसे हम ऐसे ही धोकर इसमें डाल रहे हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर तोरई भी डाल देंगे। तोरई को हमने पहले अच्छे से धो लिया था और इसे अच्छे से छील कर पीसेस में कट किया हुआ है, इसे भी अब हम कुकर में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस सब्जी को हम मूंग दाल के साथ अगर बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसे हमें अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें अब हम पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे, तोरई में ही बहुत पानी रहता है तो इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। मसाले में सब्जी अब अच्छे से मिक्स हो गई है। आप देख सकते हैं अभी सब्जी बहुत ज़्यादा लग रही है, पकने के बाद एकदम थोड़ी सी बनेगी। अब हमें कुकर का ढक्कन लगा लेना है। कुकर के हमें 3 सीटी होने देना है और कुकर जब ठंडा हो जाएगा तो अब हम इसका ढक्कन निकालेंगे। और आप देख सकते हैं हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। पकाते समय हमने सब्जी में बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था। तोरी की सब्जी में इसी तरह से पानी छूट जाता है। आप इसे रोटी चावल के साथ खा सकते हैं। बहुत ही झटपट ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।